इस मंच में मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है, वो भी उनकी गिरफ्त में। सभापति जी, UNGA के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने शाम को राइट टू रिप्लाई मांगा हो और एक साथ उसे 3-3 लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो, 3-3 देशों को जवाब देना पड़ा हो। यह अकेला तथ्य पाकिस्तान की करतूत